就是。 हांशु को लग रहा है कि डैनी से मिलने आया है। ये शर्माते हुए दरवाजा खोलती है। अरे ये तो शौयान है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, तुम ही कर लो वो फोटोशूट। हांशु बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये मौका मिलना चाहिए, तुम ही इसकी असल हकदार हो। तभी मैं पीछे हट गई। शौयान बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर बदले में मुझे क्या करना होगा? कोई कंडीशन है तो बता दो। हांशु बोलती है कि मेरी तो कोई कंडीशन नहीं, मैं एक मासूम सी लड़की हूँ, नए फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ। शायान बोलती है कि मैंने ही उस दिन केबिन का डोर लॉक कर दिया था ताकि तुम ऑडिशन में ना पहुँच सको। हांशु बोलती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, मुझे तो इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, मैं तो तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। ये बात सुन शायान रोने लगती है। हांशु पूछती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो बोलती है कि मैंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं मरने वाली हूँ। हांशु बोलती है कि तो फिर चलो साथ में खा पी लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हाउजन डैनी से पूछता है कि भाई क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कंपनी वालों ने शायान को सेलेक्ट किया, कहीं तुम इस वजह से तो दुखी नहीं हो? डैनी कहता है कि भाई तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? ये बात सुन हाउजन तो शॉक सा हो गया। डैनी इसे कहने लगता है कि भाई गलत मत समझना, मेरा एक दोस्त है, उसे किसी से प्यार हो गया है, तभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाउजन बोलता है कि झूठ, कोई दोस्त नहीं, वो तुम ही हो ना, तुम अपने बारे में पूछ रहे हो, तुझे उससे प्यार हो गया है ना? डैनी बोलता है कि नहीं रे, मैं क्यों उससे प्यार करूँगा? हाउजन बोलता है कि अब मैं समझा, तुम पूरी रात सो नहीं पाते, दिन रात उसके बारे में ही सोचते रहते हो, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो ना, इसी को तो प्यार कहते हैं। डैनी बोलता है कि हाँ यार सही कहा, यही खतरनाक सिम्टम्स तो मेरे दोस्त के अंदर हैं, अब उसे क्या करना होगा? हाउजन बोलता है कि प्रूफ हो गया कि तुम हांशु से प्यार कर बैठे हो, झूठ बोलना बंद करो। डैनी बोलता है कि नहीं तो, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे तो किसी से प्यार नहीं हुआ। फिर होता ये है कि डैनी हांशु की फ्रेंड के पास जा पहुँचता है। अब इसे लड़की के बारे में सब कुछ जानना है तो उसकी फ्रेंड से तो मिलना पड़ेगा। वो पूछती है कि तुम हांशु के बारे में क्या जानना चाहते हो? डैनी कहता है कि हांशु फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, ये बात मुझे अच्छी लगी। वो बोलती है कि ओके तो फिर लिखना शुरू करो। हांशु एक ऐसी लड़की है जो अपने गोल से कभी भी पीछे नहीं हटती। डैनी पूछता है कि उसके हॉबीज़ के बारे में कुछ बताओ ना प्लीज़। वो बोलती है कि सब्र करो, सब कुछ बताती हूँ। हांशु को चीज़ें जमा करने की आदत है, अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो मर के भी उसे हासिल कर लेती है, मिलने के बाद दूसरे ही दिन वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है या फिर वो उसे किसी और जगह पर ट्रांसफ़र कर देती है। ये बात सुन डैनी तो काफ़ी डर सा गया है, सोचता है कि कहीं लड़की मुझे भी डस्टबिन में ना फेंक दे। बहरहाल वो पूछता है कि उसका लंबे अरसे तक टिकने वाला कोई शौक बताओ ना। अच्छा छोड़ो इस बात को, कुछ और पूछ लेता हूँ। वो बोलती है कि अच्छा अब मैं समझी, जैसा बोलती हूँ वैसा करते जाओ। डैनी ने इससे तो सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, अब दूसरे फ्रेंड्स की बारी है, उनसे मिलना पड़ेगा। फिर डैनी हांशु के सभी फ्रेंड से एक एक करके मिलता है और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। ये ससुराल तो कैंटीन भी जा पहुंचा, हांशु को खाने में क्या पसंद है क्या नहीं ये बात भी पूछाया। लड़की के बारे में रिसर्च कर करके बंदा थक सा गया है। फिर ये हांशु की फ्रेंड से पूछने लगता है कि कोई और बात है तो बता दो, वो भी डायरी में लिख लूँ। वो बोलती है कि नहीं सब कुछ तो तुम्हें बता चुकी हूँ, अब मुझे जाना होगा। मामला उलट हो गया है, पहले लड़की इसके पीछे पड़ी हुई थी पर अब ये लड़की के पीछे पड़ गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। आज है वीकेंड नाइट, सभी फ्रेंड्स साथ बैठे हैं, पार्टी का सीन ऑन है, डैनी भी मौजूद है, इसकी नज़र लड़की पे टिकी हुई है पर हांशु तो इसे देख भी नहीं रही, ना ही इसे ड्रिंक चेयर करती है। वो डैनी से कहती है कि तू ना जूस पी, वो तेरे लिए सही है। डैनी हुआ शर्मिंदा, हांशु मुसलसल इसे इग्नोर किए जा रही है, ये हंस रही है और डैनी का खून जल रहा है।
फिर होता ये है कि डैनी वहाँ से उठ के चला आता है। शायान कहने लगती है कि अब इसे क्या हुआ, आज तो इसका मूड काफी खराब दिखाई दे रहा है। आंशु बोलती है कि उसे शायद चढ़ गई है, वो आराम करने गया होगा, बच्चे को सोने दो, हम पार्टी इंजॉय करते हैं। डैनी वही आसपास ही मौजूद सब कुछ देख रहा है, इसकी हालत तो ठीक नहीं लग रही, होगी भी कैसे, लड़की जो इसे इग्नोर कर रही है, अब इसकी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, ये अंदर बाहर से जल के राख हो गया है, बंदे का हाल तो देखो काफी तपा हुआ है। इंतजार कर करके ये तो थक गया, पर हांशो तो इसके पास नहीं आई और ना ही उसके आने की कोई उम्मीद है। टाइम गुजरता है और ये वहीं पे ही सो जाता है। सुबह हो गई पर डैनी का मूड अभी भी सही नहीं हुआ, सभी एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं पर ये भाई साहब शांत बैठे हैं। हाउजन आके इससे पूछता है कि भाई कल रात तुम कहाँ चले गए थे, अरे तुम तो काफी कमजोर लग रहे हो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो ठीक हो जाओगे। तभी हांशु डैनी के पास आके बैठती है और इसे देखने लगती है। फिर होता ये है कि बंदा अपना जैकेट फेंकता है और 2.5 किलो का डंबल उठा के वर्कआउट करने लगता है। हांशु बोलती है कि वेल डन, लगे रहो। फिर ये होता है, इन दोनों की शक्ल तो देखो, लड़की रॉक, बॉय शॉक्ड। नेक्स्ट सीन में जब डैनी अपने फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो तभी हांशु वहीं पे आती है। इसे देख लड़का एनर्जेटिक होके खेलने लगता है और अपनी महारत दिखाने लगता है। अरे इसने तो बास्केट मिस कर दिया, बॉल तो अटक गया। हांशु हंस पड़ती है, डैनी जंप लगाने की तैयारी कर रहा है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। हांशु सोचती है कि इससे तो नहीं हो पाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। लड़की ने फेंका अपना जूता और बॉल सीधा नीचे आ गिरा। लड़की को इम्प्रेस करने की एक और कोशिश हुई नाकाम। नेक्स्ट पार्ट भी काफी फनी और इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। दोस्तों लाइक शेयर कॉमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।